को एक होनेस्टी ऑफ स्टू पालन को बनाने से को काल का अब तक 100 ईयर्स आने वाला बच्चा के लिए तो इसमें रिमाइंड रहेगा, ये स्टीचू होनेस्टी स्टू इसमें रिमाइंड रहेगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, जो एस्पिरेंट अपना काम कर रहा है, उसको सब मिल के सब स्ट्रीम लाइन ला के सब मिल के उसको सेटलमेंट होना है। और ऐसे अपना अपना इच्छा में करते रहने से नहीं होगा, उसको सब स्टेक होल्डर आके सब इसको एमिकेबली में पीसफुल वे में सेटल करना है। ये एक्चुअली उसका विश था, बिकॉज मरने वाला का एक विश रहता है, तो उसने एक उसको मालूम था कि उसका लाइफ नियरिंग हो रहा है, तो उसने एक अपना विश लास्ट विश का हिसाब से उसने वो मैसेज छोड़ा। तो उसको अभी वी एज ए पेरेंट वी एज ए फैमिली एंड उसका जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी जो भी है, क्योंकि वो कब अभी मेरा प्रेसिडेंट ने जैसे स्टेटमेंट दिया है, वो जो मैसेज जो है पादम ने उसका वो टीम को दिया था कि वो अगर उसका कुछ हो जाता है तो इन फ्यूचर उसका एक स्टैचू वहाँ पे बनवा दीजिए, क्योंकि देट वॉज ओनली ए विश। तो उसी को लेके अभी यहाँ पे जो डिमांड में आ रहा है, तो इसको हम लोग तो फिर उसको कम ये जो अभी जैसे एक आपका उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो एग्जैक्टली शेयर में, तो हम लोग तो जस्ट उसका विश को हम जो फैमिली है और उसका जो टीम मेट्स है वो मांग रहा है, तो आगे में क्या होगा वो आगे का बात आगे में देखा जाएगा। अभी ये समय में हम लोग तो उसका एक विश था, तो उसको मरने वाला इवन जिसको फांसी होना होता है उसका भी एक लास्ट विश पूछा जाता है, तो वो आदमी अपना एक विश को जाहिर करके गया है, तो उसको गवर्नमेंट का सामने में ला दिया है। तो हमको लगता है ये गवर्नमेंट भी अच्छा गवर्नमेंट है, क्योंकि इन लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो हमको लगता है कुछ एक पॉजिटिव साइड स्टेप्स आगे को देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल वो डिमांड हम लोग का ये नहीं है, क्योंकि वो डिमांड इज बीइंग टेकन अप बाय आपका पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी, तो हम लोग अभी इसमें वो नहीं है, हम अभी इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट करने के लिए नहीं है। तो ये आपके लिए जवाब है, यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मेरा प्रेसिडेंट ने बताया, क्योंकि ये देखिए ये जो एपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू हुआ, दैट इज़ नॉट कॉन्फ्रेंटिंग टू ओनली हिगे वेलफेयर सोसाइटी पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, तो इसलिए हम लोग आगे आके मेरा हम लोग का जो एक छोटा भाई ने वो एक्सपोज किया बहुत अच्छा बात है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, तो वो अच्छा बात है, मगर वो इशू जो है वो हम लोग का सोसाइटी से सोसाइटी के लिए नहीं है। तो पादम ने भी खुद वो चीज़ को मेरा प्रेसिडेंट ने अभी जैसे बोला उनका साथ हम लोग हमेशा इंटरेक्शन में था, तो उसने भी हम लोग को वही सजेस्ट किया था कि ये जो इशू है दिस इज़ कॉमन इशू दिस इज स्टेट इशू, तो इसमें हिगे वेलफेयर सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। तो इस बीच में जैसे कुछ कुछ कभी कभी हम लोग इधर में बहुत आदमी लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है, तो पता नहीं कोई आदमी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ऐसा ही बहुत सारा आदमी है, आप लोग को ही अच्छा से पता होगा क्योंकि आप लोग तो ये सब चीज़ को भी आप लोग ही पकड़ता है, तो ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर्स है जो कहीं से भी कुछ ट्रोलिंग करता है कुछ क्वेश्चन करता है, तो हम लोग का सोसाइटी वही बोलता है कि हिगे वेलफेयर सोसाइटी नहीं है क्या, ये क्यों साइलेंट है, तो मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू में, तो इसी को हम लोग आज क्लियर करने के लिए हम लोग ने ये टाइम निकाल के आए और आप लोग को ये टाइम देने के लिए इसलिए मैं दोबारा भी थैंक यू बोल रहा हूँ। तो हम लोग का जस्ट आज का जो ब्रीफिंग यही है कि हम लोग हिगे वेलफेयर सोसाइटी लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारा अरुणाचल बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन सभी तो चुप बैठा है ना, क्योंकि वो क्योंकि इसका इशू को कोई टेकअप कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसको ये इशू को गवर्नमेंट भी टेकअप कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्ट्रीमलाइन करना चाहता है, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम को तो डिफंग करके रखना नहीं चाहेगा, तो गवर्नमेंट भी सीरियसली ले रहा होगा, तो इसमें एक साइड में आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोग भी सीरियसली ले रहा है, तो हम लोग इसमें जंप करने का हम लोग का कोई ये नहीं है, मतलब हम लोग का पास कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग ये अरुणाचल आई मीन जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इशू को हम लोग ने एक्टिवली करना है वो हम लोग को दिखाई नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ने अभी तक चुप बैठ रहा है। तो इवन टू दोज ट्रोलर्स, तो आप लोग भी उसको लॉजिकली सोचिए कि ये एक सोसाइटी का इशू नहीं है, ये एक स्टेट का इशू है, तो वो चीज़ को हम लोग ने क्लियर करना था, तो इसलिए आज ये आप लोग से हम लोग ये इंट्रोडक्शन कर रहा है। इसमें हम लोग का नॉलेज नहीं था, जे फैमिली ने मेमोरेंडम दिया है उसमें हम लोग का नॉलेज नहीं है, ये हम लोग हिगे वेलफेयर सोसाइटी अपना स्टंट है, तो फैमिली बात में हम लोग का कॉन्सिक्वेंटली हम सब एक है, जैसे बानंग यामर पादंग अपना लास्ट वेस्ट को प्लेस किया है उसको लेके
हम फैमिली के साथ में टच रहेगा कि ये एग्जैक्ट वो जगह को लास्ट वेस्ट में ग्यामर पादंग का इच्छा था। लास्ट वेस्ट में वो ग्यामर पादंग ने कुछ लेके नहीं किया है, वो अरुणाचल के लिए लेन सिलाई करके अरुणाचल में इतना साल 10-20 ईयर्स का साल माल प्रैक्टिस को ग्यामर पादंग ने खोला है, लेकिन वो कुछ लेके नहीं किया कि अरुणाचल को ठीक करने के लिए वो आवाज़ उठाया है। और जो वो आवाज़ उठाए वो सही भी है, अभी कोई लोग जेल में भी है वो ठीक है, वो कुछ लेके नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उसको कंसीडर करने से भी अच्छा है, कंसीडर करने से अच्छा है। तो उसको जैसे जैसे इच्छा है कि गवर्नमेंट उसको जानता है कैसे करना है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट जानता है उसको। अभी हम ज़्यादा प्रेशर देख के भी अभी का समय में कुछ हम लोग का मतलब टाइम ये समय ठीक नहीं हुआ। इसमें मैडम दो चीज़ है, एक हम लोग ये कर सकते हैं, अगर डिमांड को हम लोग तो एज अ सोसाइटी, हम लोग एक एनजीओ मतलब ये है तो हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो डिमांड बाकी डिमांड को हम लोग को मैटर नहीं करता है, मतलब तो उसका तो अलग जगह से इशू होता है, मगर पादंग का जो उसका इशू वो अभी तक जैसे पहले भी बोला कि हम लोग को उन लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया है, तो इनकेस आगे में जाके अगर उसका फैमिली या उसका उधर से कुछ कम्युनिटी इंडिकेशन आएगा तो डेफिनेटली हम लोग वो स्पेशली वो जो पादंग का जो रिलेटेड केस है तो उसको अभी जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने जो अपील उसमें टू पॉइंट्स अपील है उसमें, तो वो भी मतलब अगर उसका फैमिली से अगर वो क्योंकि आफ्टर ऑल इमीडिएट फैमिली ही फाइनल डिसीजन देगा, देन उन लोग से हम लोग भी सलाह मशवरा करेंगे तो उधर का जो आउटकम होगा तब जाके हम लोग उसी हिसाब से देख के आगे का वो जो स्टेप्स है वो हम लोग लेंगे।